हड़प्पियन संस्कृति का वो शहर घूमने के बाद हम आए यहाँ पे फॉसिल पार्क पे। ये है फॉसिल प्ले साइट, यहाँ पे फॉसिल पार्क का जो है रखा हुआ वहाँ पे हम आए, तो हम आपको दिखाएंगे फॉसिल पार्क। जैसे कि मैं आया था यहाँ फॉसिल पार्क की क्या हिस्ट्री है वहाँ पे, क्या कुछ है, तो हम अंदर जाके वो देखेंगे, क्योंकि मुझे इतनी डिटेल्स मालूम नहीं है। मैं खुद डिटेल्स पता करूँगा, देन उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा क्या सीन है क्या नहीं है, तो वो हम आगे जाके चेक करेंगे। हमें यहाँ पे पता ऐसा चला है कि यहाँ पे कुछ 5,000 साल पुराना एक लकड़ा, मतलब लकड़ी पड़ी है, तो हम अभी वो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पुरानी अस्थियाँ पड़ी है उस टाइम पे जो पत्थर उस टाइप के जो वहाँ पे उस टाइम पे जो सब कुछ चीज़ें थी जो वो रखी गई है यहाँ पे, तो अब हमें अभी हम वो देखने के लिए जा रहे हैं। सो अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है, क्योंकि अभी हम जिस चीज़ के लिए आए हैं वो घूमना तो लाजमी है। तो अभी हम आज जा रहे हैं, और मुझे नहीं मालूम मेरा ध्यान कैमरे में है कि नहीं है, क्योंकि मैं सामने देख के बात कर रहा हूँ, चलने में दिक्कत ना है इसीलिए। और अभी हम आ चुके हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे इस तरीके से हम जा सकते हैं। ये ऐसा कुछ पूरा बनाया हुआ है, यहाँ से हम ले रहे हैं एंट्री। सो यस, ऐसे कुछ सीन्स है। बेसिकली ये जो फॉसिल पार्क है, वो फॉसिल पार्क एक उस टाइम के जो लकड़े थे वो सब यहाँ पे जो पाए गए हैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है अवशेष जो उस टाइम के, मतलब एक वुड था, उस वुड जो पत्थर के रूप में, मतलब उस इतने सालों से पड़ा है, तो उसके अवशेष यहाँ पे दिखाए गए। अच्छी जगह है यार, एक टाइम विजिट आप कर सकते हो, कोई भी टाइम आप आ सकते हैं यहाँ विजिट कर सकते हैं। अभी हम आए दोपहर को, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत तकलीफ़ भी हो रही है। यहाँ पे दूसरे जो फॉसिल पार्क के पत्थर पड़े हैं वो यहाँ पे अवशेष दर्शन 2, तो ये पार्ट यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे भी ऐसे ही पत्थर रखे गए जो पत्थर, और सामने ये वाइट डेजर्ट, ये रण का दृश्य। सो रण का दृश्य भी हम अगर शाम होती तो एंजॉय करते, लेकिन अभी शाम नहीं है, दोपहर की धूप में, तो फिर ऐसा दृश्य नहीं आता है। ये यहाँ पे कुछ पत्थर से, ये भी वो पत्थर है। यस, फाइनली हमने यहाँ पे घूम लिया पूरा, और यहाँ पे जो फॉसिल पार्क में जो उस टाइम के स्ट्रक्चर रखे हुए थे वो सब हमने देख लिए। देन अभी यहाँ से जाने के बाद हमारी प्लानिंग ये है कि थोड़ा बहुत आगे जाएंगे वहाँ पे, वहाँ की जो आपको साइड है वो मैं आपको दिखाऊंगा, देन उसके बाद हम वापस जाएंगे। और यहाँ से जैसे निकल रहे हैं तो आपको वो सीन्स भी चेक कराएंगे, लेकिन पहले हमें जाना है थोड़ा बहुत वहाँ पे एक्सिट का जो वहाँ पे जाना है वो अभी हम जा रहे हैं आगे, देन वो जाके वो सीन्स आपको वहाँ पे चेक कराते हैं। अभी के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पे जो है अवलोकन स्थल, मतलब यहाँ पे दिखाया हुआ कि आप यहाँ पे जाके कुछ देख सकते हो। सो फाइनली हम इस रोड पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम जा रहे हैं भाई। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें दोपहर हो चुकी है। यहाँ पे एक तालाब है, अच्छा पॉइंट है, फॉसिल पार्क हमने देख लिया, जो उस ज़माने की जो लकड़ियाँ थी वो पत्थर में कैसे कन्वर्ट हो गए, मतलब इतने सालों से यहाँ पड़ी है तो पड़े पड़े वो पत्थर जैसी बन गई, तो वो सब यहाँ पे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे फॉसिल पार्क एक अच्छी जगह है, यहाँ से वाइट डेजर्ट भी दिखता है, एक वाइट रण यहाँ पे भी है। सो कच्छ का जो नानू रण कहते हैं गुजराती में, कच्छ का जो छोटा रण है वो रण ये है, और कभी कभी इस रण से आगे जहाँ पे वो पहाड़ है वो है, तो वहाँ पे आपको घुड़खर भी देखने को मिल जाएंगे। अभी लाइटिंग यहाँ से तो मेरा मुँह दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मुझे मालूम नहीं है, मैं ऐसे ब्लॉक करते हुए जा रहा हूँ। सो बस अभी हम जाते हैं वहाँ पे, ऊपर एक सनसेट व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट के बाद आपको व्यू दिखाएंगे, लेकिन दोपहर है तो इतनी फुटेज अच्छी आएगी नहीं, लेकिन फिर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। वो व्यू पॉइंट दिखाने के बाद फिर हम वापस जा रहे हैं। यहाँ पे होता है हमारे धोलावीरा सफर का दी एंड।